नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रवीण कुमार रॉय। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि कुछ व्हाट्सएप इमेजेस जो है फोटोशॉप पे डायरेक्टली ओपन नहीं होता, वहाँ पे अनसपोर्टेड फाइल करके आता है। तो उसको पेंट के माध्यम से हम किस तरीका से उसको एक्सेसिबल बना सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन या बहुत सारे ऑनलाइन जॉब के लिए आपको फोटो और जो सिग्नेचर देना होता है उसका जो डायमेंशन होता है वो डिफाइन किया होता है, प्लस उसका जो साइज होता है या इधर 50 KB, 100 KB, या आपको सिग्नेचर के लिए 20 KB एक लिमिट दिया जाता है। तो उसको पेंट के माध्यम से हम किस तरीका से बनाएंगे, और उसके बाद में हम प्रिंट स्क्रीन या जो स्क्रीन शॉट बोला जाता है वो लैपटॉप में विंडोज 10 में हम डिफरेंट प्रोसेस से किस तरीका से स्क्रीन शॉट या तो प्रिंट स्क्रीन कीबोर्ड के माध्यम से ले सकते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे आपका यूज ऑफ कर्व लाइन, यूज करना, टेक्स्ट को यूज करना एमएस पेंट में, और उसके ये चार टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एमएस पेंट को। शॉर्टकट की से एमएस पेंट टाइप किया हुआ है उसको ओके, नहीं तो हम इसको एंटर प्रेस करेंगे तो भी हो जाएगा। एप्लीकेशंस ओपन हो चुका है। फोटोशॉप में कुछ व्हाट्सएप इमेज जो सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि ये इमेज है तो इसको मैंने सेव कर लिया है। चलिए, इसको मैंने सेव कर लिया है। सेव करने के बाद इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने सेव किया था, ये इमेज था। चलिए, इसको फोटोशॉप में हम ओपन करते हैं। ओपन विथ फोटोशॉप। चलिए, इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, यहाँ पे लिखा कुड नॉट ओपन, यूजर डेस्कटॉप पेन फॉर फाइल नेम दिया है बिकॉज इट इज नॉट द राइट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये यहाँ पे इसका मैसेज दे रहा है। चलिए, इसको अभी हम जूम आउट कर लेते हैं 100% पे, यानी कि ये फोटोशॉप पे डायरेक्टली ओपन ये इमेज नहीं हुआ। चलिए, इसको हम पेंट पे ओपन कर लेते हैं, मैश पेंट पे। उसके बाद इसको क्या करना है, हमें सेव एज में जाके इसको जेपीजी पिक्चर में सेव कर लेना है। किसी भी लोकेशन में जो आप सेव कर सकते हो जहां पे आपका फाइल हो, तो मैं इस फाइल में सेव कर लेता हूँ एज ए जेपीजी। न्यू कर लेता हूँ इसको फाइल नेम। जस्ट इसको सेव कर दिया मैंने, और यहाँ पे जो है ये न्यू फाइल मेरा सेव हो चुका है। मैंने कुछ उसमें चेंजेस नहीं किया, जस्ट मैंने सेव किया। अब चलिए, इसको मैं ओपन करता हूँ फोटोशॉप के माध्यम से। तो यहाँ पे फोटोशॉप डायरेक्टली शो नहीं कर रहा, तो इसको मैं चूज अनदर एप्लीकेशंस में कर लेता हूँ। आपका सिस्टम में अगर फर्स्ट टाइम अगर इंस्टॉलेशन है तो वो डायरेक्टली हो सके शो ना करे, तो चलिए मैं भी वो बता देता हूँ। यहाँ पे फोटोशॉप चूंकि दिख रहा है फिर भी मैं दिखा देता हूँ वो प्रोसीडियर, कि अगर कोई एप्लीकेशन आपका सिस्टम में शो नहीं कर रहा, डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको सी प्रोग्राम में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स इंटू HT6, और यहाँ पे एडोब में जाके उसके बाद फोटोशॉप है, और फोटोशॉप में यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन शो कर रहा है। तो जस्ट इसको मैं क्लिक कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम से वो जो है हमें दिखेगा वहाँ पे। तो चलिए, इसको मैं ले लेता हूँ, ओपन करता हूँ अभी। अभी देखिए वो फोल पहले जो यही इमेज था लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा था, बट इसको मैंने जस्ट सेव एज करके जेपीजी कर लिया, बस ये फाइल मेरा ओपन हो चुका है। अब इस पर हमको जो काम करना है मैं कर सकता हूँ। तो राइट नाउ अभी हम लोग फोटोशॉप नहीं कर रहे, इसीलिए इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो इस तरीका से आप जो इमेज आपका व्हाट्सएप इमेज अगर फोटोशॉप में डायरेक्टली ओपन नहीं होता है, उसको क्या पेंट पे ओपन करके सेवेज करके जेपीजी फाइल एक्सटेंशन में कन्वर्ट करके उसके बाद आप उसको ओपन कर सकते हो। चलिए, जो दूसरा है ऑनलाइन पैन
पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो और सिग्नेचर का डायमेंशन एंड साइज। अब मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है गाइडलाइंस फॉर फाइलिंग पैन न्यू पैन कार्ड। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा, आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फोटोग्राफ होगा वो फोटोग्राफ कितना होगा, 200 DPI कलर होना चाहिए, JPG फॉर्मेट ऑफ फाइल होना चाहिए, और इसका जो मैक्सिमम साइज होगा 20 KB में होगा, और इसका जो डायमेंशन होगा वो 3.5 × 2.5 cm का होगा, और जो सिग्नेचर होगा वो 200 DPI का होगा, कलर होगा JPG, और मैक्सिमम साइज इसका जो कितना होना चाहिए आपका 10 KB का होना चाहिए, और इसका जो है 2 × 4.5 का आपका डायमेंशन रहेगा। तो चलिए ये दोनों को मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीका से हम बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा सपोज ये इमेज को मैं ले लेता हूँ, ये इमेज जो है हमें 20 KB में बनाना है, और अभी फिलहाल ये जो कितना है इसका साइज, साइज आप देख सकते हो, ये जो है साइज ऑन डिस्क 140 KB का हो रहा है। इसको हमको कितना 20 KB बनाना है, और सिग्नेचर जो है 10 KB में कन्वर्ट करना है। तो चलिए मैं ये पिक्चर को मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ पेंट, चूंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, चलिए इसको रीसाइज करते हैं। यहां से रीसाइज इसको मैं कर लेता हूं, अप्रोक्सीमेटली मैं अंदाज से कर लेता हूं 20% पे, जस्ट सेव करता हूं। अब मैं इसका साइज देखता हूं, यहां पे कितना 15 KB हो चुका है, यानी कि ये हमारा अप्रोप्रिएट साइज हो चुका है। और इसका डायमेंशन चलिए चेक कर लेते हैं, डायमेंशन जो दिखा रहा है 2085 × 215, यानी कि ये पिक्सल्स में शो कर रहा है। वैसे ही सिग्नेचर को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे, और सिग्नेचर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे पेंट पे ओपन कर लेना इसको। चलिए अब हम यहाँ पे सिग्नेचर को देख लेते हैं। सिग्नेचर जो है अभी हमारा 16.7 KB का है, तो इसको हम अभी एडिट कर लेते हैं, ओपन विथ पेंट, और इसको चूंकि इतना बड़ा एरिया है इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके मुझे इतना चाहिए, मैं क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद आप जस्ट इसको सेव पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए अभी प्रॉपर्टीज में यहाँ से देख लेता हूँ इसका प्रॉपर्टीज क्या है। आपका साइज जो है इसका 13 KB हो चुका है, यानी कि अभी भी इसका साइज जो है बड़ा है, तो इसका वाइड इंचेज में जो था हमारा 4.5 था, 4.5 × 2। तो चलिए इसको 4.5 × 2 का डायमेंशन हम दे देते हैं, और इस तरीका से डायमेंशन दे दिया मैंने और इसको सेव कर लिया। अभी जो है प्रॉपर्टीज में जाके इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, यानी कि 4.5 × 2 इंचेज में कलर है, ठीक है, आपका ये आ चुका है। चलिए इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी मैं देखता हूँ इसका, तो ये जो है 9.26 KB हो चुका है, यानी कि ये भी हमारा सिग्नेचर और हमारा इमेज दोनों जो है परफेक्ट हमारा बन चुका है। ये 20 KB का अंडर में है, ये 10 KB का अंडर में फाइल हमारा बन चुका है। तो इस तरीका से हम इसको कोई भी आप ऑनलाइन जॉब में अप्लाई करते हो तो आप क्या है पेंट के माध्यम से भी आप फोटो का रिजोल्यूशन साइज जो है डायमेंशन चेंज कर सकते हो, और सिग्नेचर का भी कर सकते हो एज यूजुअल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करते हैं प्रिंट स्क्रीन की ओर। तो जैसे कि प्रिंट स्क्रीन अगर लेना है हमें, सपोज इस पेज का ही हमें प्रिंट स्क्रीन लेना है, तो प्रिंट स्क्रीन के लिए आप नोटिस करना कि कीबोर्ड में जो है नेविगेशन की में ऑन द टॉप लेफ्ट साइड में आपका जो होगा प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, जिसको प्रिंट करके अगर हम MS पेंट या कोई भी आप फोटोशॉप या कहीं पे भी आप अगर आप MS वर्ड में भी कहीं पे भी इसको पेस्ट करते हो तो इस तरीका से वो पेस्ट होके हमारा आ जाएगा। आपको जो भी यहाँ से चाहिए आप अभी क्रॉप कर सकते हो, क्रॉप
क्रॉप करके यहाँ पे उसको रख सकते हो। तो सपोज मैं इतना ही लेना चाहता हूँ, मैंने इसको क्रॉप कर लिया, सिलेक्ट करके मैंने इतना को क्रॉप कर लिया। तो इस तरीके से आप प्रिंट स्क्रीन को ले सकते हो। आप कोई भी नोट्स प्रिपेयर करते हो, आपका डिजिटल फाइल है, आप उसको प्रिंट स्क्रीन करके या स्क्रीनशॉट करके आप ले सकते हो। नंबर सेकेंड जो ऑप्शन है वो क्या है, विंडोज एंड प्रिंट स्क्रीन, यानी कि विंडोज की को प्रेस करो और प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करो एक ही साथ। तो क्या है, डायरेक्टली जो फुल स्क्रीन शॉट आपको वहां पे हो जाएगा। जो थर्ड ऑप्शन होगा आपका, विंडोज की प्रेस करो, शिफ्ट प्रेस करो और एस प्रेस करो। तो इससे क्या है, हमारा यहाँ पे स्क्रीनशॉट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा स्नैपिंग टूल्स का, तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ्री फ्रॉम स्निप, विंडोज स्निप और फुल स्निप। तो फुल स्निप लेने से आपका फुल स्निप यहाँ पे जा चुका है। उसका और जो है क्विक स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आपको अल्ट्रा प्लस प्रिंट स्क्रीन, अल्ट्रा प्लस प्रिंट स्क्रीन लेने। उसके बाद आपका ऑप्शन जो स्क्रीनशॉट लेने का है वो क्या है, विंडोज प्लस जी, वो जो है गेम बार आपका ओपन होके आ जाएगा। विंडोज और जी की करने से आपका गेम बार यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से भी हम क्या है, स्क्रीनशॉट यहाँ से टेक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट होके आपका कंप्यूटर में फोल्डर में जाके सेव हो चुका है। यहाँ पे माई कैप्चर्स हम चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो है कैप्चर होके है अभी, तो ये वीडियोज में कैप्चर्स में आपका चला गया। तो इस तरीका से जो है आपको यहाँ पे कर सकते हो। तो ये कुछ तरीका है, ऐसे 8 तरीका होता है, बट यहाँ पे आपको अलग अलग लैपटॉप्स और कीबोर्ड पे कंडीशंस करता है कि कौन सा कीबोर्ड में मल्टीमीडिया स्कीज है। मल्टीमीडिया स्कीज होगा तो ही वॉल्यूम डाउन का ऑप्शन रहता है। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पे आपको स्नैपिंग टूल से आप कर सकते हो, स्नैप एंड स्केच से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बेस्ट वे है, आपका कीबोर्ड में अवेलेबल होता है प्रिंट स्क्रीन का, इधर आप शॉर्टकट से लेना चाहो तो विंडोज शिफ्ट स्क्रीनशॉट एस आप कंडक्ट कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। यूज ऑफ कर्व लाइन, हम कर्व टेक्स्ट का किस तरीका से इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। चलिए पेंट एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। डाउनलोड करके रखा था यहाँ पे मिक्की माउस का, जैसे कि मैं इसको ही ले लेता हूँ। इसको कर्व लाइन से किस तरीका से डिजाइन किया जाए उसको मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए पेंट में ओपन कर लेते हैं, A to B पॉइंट। मैंने कर्व लाइन का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यानी कि A to B पॉइंट में बना रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको ऊपर की ओर ले जाऊंगा। एग्जैक्टली सेम बनाने के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करके इसको रोटेट में हॉरिजेंटल रोटेशन करके मैं इस तरफ के लिए यूज कर लूँगा। और चूंकि ये अभी ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन नहीं है, इसको ट्रांसपेरेंट में कर लेता हूँ। उसके बाद कर्व लाइन लेके मैं यहाँ पे चलिए, और यहाँ पे कर्व लाइन का मैं लेता हूँ और उसके बाद ये पॉइंट को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि A to B पॉइंट। उसके बाद मैं C पॉइंट को कनेक्ट करूँगा। चलिए इसको मैं कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से कि मेरे लिए इजी हो जाए। मैं नेक्स्ट जो पार्ट है मैं उसको डायरेक्टली पेस्ट कर लूंगा।
और चलिए इसका भी मैं कॉपी ले लेता हूँ। इसको रोटेट कर लेता हूँ, फ्लिप हॉरिजेंटल रोटेशन। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। तो चलिए ये जो है हमारा कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद और कर्व लाइन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसको कनेक्ट ए टू बी पॉइंट कर देने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको इस तरीका से ले लूँगा उसका। चलिए इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं कि कनेक्ट करने में इजी रहे। और उसके बाद ये जो थर्ड पार्ट है मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करने जा रहा हूँ ए टू बी पॉइंट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेना है। तो मुझे पहले ए टू बी पॉइंट बना लेना है, उसके बाद मैं एक अंदाज में मैं इसको ले लेता हूँ और इस तरीका से यहाँ पे जैसे कि कर्व लाइन यूज करके हम लोग ने यहाँ पे बना लिया। इस तरीका से आप जो है इसको ड्रॉ कर सकते हो। मैं भी कलर फिल कर देता हूँ। तो इस तरीका से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ए टू बी पॉइंट होता है। उसके बाद अगर मैं इसको मूव करता हूँ सी और देन डी, इस तरीका से आप इसको मूव करके कर्व लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। और कर्व लाइन का इस्तेमाल से और भी बहुत सारा चीज़ आपका बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, टेक्स्ट हम एमएस पेंट में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम एक बैनर अभी बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं देख लूँगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज में साइज जो है 1366 7 70। तो इसको मैं करता हूँ 786 और ओके करता हूँ। तो ये हमारा एक साइज बन गया। अभी यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टेक्स्ट फंक्शन हम किस तरीका से यूटिलाइज करेंगे। उससे पहले चलिए थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं इसको। चलिए इसको फिल कलर कर लेते हैं अभी। ये फिल कलर। अभी यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स लेने का साथ साथ आप देखिएगा, टेक्स्ट बॉक्स लेने का साथ साथ यहाँ पे जो है आपका ये पूरा टेक्स्ट का फंक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी लेता हूँ फॉन्ट, मैंने चेंज कर दिया। वन फिफ्टी इसका मैं साइज दे देता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड आ रहा है उसको मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, उसके बाद ये इस तरीका से आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर से मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मैं नोट डाउन कर देता हूँ। फॉन्ट जो है मैं सिंपल फॉन्ट कोई ले लेता हूँ, एरियल नेरो या एरियल। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अनसपोर्टेड इमेजेस टू जेपीईजी। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे रीसाइज फोटो इन पेंट। चलिए ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एक इमेज दे देता हूँ पेस्ट फ्रॉम करके। एक यहाँ पे इमेज एट्रैक्टिव के लिए मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ। चलिए ये हमारा बन चुका है। तो अभी हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज बैनर, और उसके बाद इसको हम सेव जेपीजी कर देते हैं। चलिए इस तरीका से हम लोग टेक्स्ट का यहाँ पे बहुत सारा काम कर सकते हैं।
और आप अलग अलग तरीका का डिजाइन एमएस पेंट में भी बहुत अच्छे से अट्रैक्टिव वे में आप कंडक्ट कर सकते हो, बना सकते हो टाइम देके। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है यहाँ पे, अगर हम लोग थोड़ा पेशेंस के साथ अच्छे से करें तो बहुत कुछ यहाँ पे आप पेंट में भी फोटो एडिटिंग का ऑलमोस्ट हर चीज कर सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।